मेरे प्रिय गैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जो है छठी कक्षा के अंतर्गत पाठवा जो है पाठ संख्या पांचवा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है र की मात्राएं। उसमें उसके अंतर्गत जो है तीन प्रकार हैं। पहला है रेफ, उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूँ कि जो र की मात्रा है पहली, वह रेफ जो है आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। जो भी मैंने गृह कार्य दिया है उसे लिख कर रखिए। जो पिछले एक से लेकर चार तक जो लेसन मैंने पढ़ाए हैं, वही जो है आपके लिए जो पीरियडिक टेस्ट पहला है उसके लिए मैं दिया हूँ। तो आप जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर जो है आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि जो मैंने प्रारंभ किया हुआ जो डेट है, वह आप डेट को डालकर क्लास सिक्स्थ और डेट डालना है, क्लास और सिक्स्थ और हिंदी और डेट डालकर जो है आप वीडियो जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अच्छे से जो है आप पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में जो है अच्छे से मार्क लीजिए। तो वो तो हो गया। आज हम जो है पांचवा पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पहले पिछले वीडियो में हमने रेफ का जो है विस्तृत अध्ययन किया, आज उसी में जो दूसरा प्रकार है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, तो इसका शीर्षक है र की मात्राएं। तो चलिए, पहला जो विषय है यानी दूसरा प्रकार, वह है पदें। पदें में दो हैं, एक नीचे दिया जाता है जैसे प्रकार हो, जो प के या इसके नीचे जो दिया जाता है उसे हम इस प्रकार जो है चिन्ह देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्र जो है इस प्रकार लिखा जाता है, प्र जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्र जो है इस प्रकार, जो नीचे यहाँ पर जो चिन्ह आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम पदेन कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार जो होता है, तो इसका हम विस्तृत पदेन से जो है र की मात्रा से बनने वाले शब्दों को अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला शब्द जो है यहाँ पर स में जमा म, आधा म जमा रा और जमा ट मिलकर साम्राट जो है, यहाँ पर जो है किस तरह पढ़ना है, म्र म्र जो है कैसे बनता है, आधा म और पूरा र मिलकर जो है म्र बनता है। तो साम्राट, सम्राट में जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कन्नड़ में जो है चंद्रबिंदी जो नीचे दिया जाता है प्रकार के लिए, प्रकार के लिए नीचे इस तरह दिया जाता है, उसे हम इस प्रकार देते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो सम्राट है। दूसरा है व जमा ज, आधा ज जमा र मिलकर वज्र। तो इसे ज्र ज्र जो कैसे लिखते हैं, आधा ज और पूरा र मिलकर ज्र बनता है, जो नीचे लाल जो चिन्ह दिखाया है वह पदेन है। तो इस प्रकार आपको उच्चारण करना है, सम्राट वज्र। आगे भी जो है र की मात्राओं के शब्द देखेंगे जो यहाँ पर हैं। पहला है क, आधा क और पूरा र मिलकर क्या बनता है, क्र बनता है। तो कैसे लिखते हैं, क आधा क जमा र जमा म मिलकर क्रम। क्रम यानी सीरियल, जो सीरियल प्रकार जो क्रम संख्या कहते हैं आप उसे, उसे कहते हैं। उसी प्रकार आधा भ और पूरा र प्लस म मिलकर भ्रम, यहाँ पर कैसा है, आधा भ और पूरा र मिलकर भ्र बनता है। तो भ्रम, भ्रम यानी जो भ्रम में रहना, अपने ही लोक में रहना, कल्पना जो लोक में रहते हैं उसे हम भ्रम कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार प, आधा प और पूरा र मिलकर प्र बनता है, तो उसे हम
यहाँ पर कैसे लिखते हैं, आधा प और पूरा प्लस र जमा म मिलकर प्रेम, प्रेम यानी प्यार होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगला जो शब्द देखेंगे, च जमा आधा क और पूरा र मिलकर जो है चक्र। तो यहाँ पर संयुक्त अक्षर कैसा बनता है, आधा क और पूरा र मिलकर जो है क्र बनता है। उसी प्रकार चक्र, चक्र का हम यहाँ पर एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यह है अशोक चक्र। अशोक चक्र आपको पता होगा जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, चार सिंहों का जो मुख वहां पर दिखता है उसके नीचे जो है यह अशोक चक्र है। यह भारत के जो ध्वज है, तिरंगा जो है उसमें बीचों बीच यानी केसरिया और सफेद और हरा रंग के बीच में जो है, सफेद के बीचों बीच जो है अशोक चक्र को लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, इसे हम तीलियां कहते हैं, जो रेखा है ना उसे हम तीलियां कहते हैं। ये 24 हैं, गिनने पर यह 24 रहते हैं। इसका रंग जो है नीला कलर का है, इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। उसी प्रकार ऊ जमा आधा म जमा र मिलकर जो है उम्र ऐसे बनता है। म्र कैसे बनता है, आधा म और पूरा र मिलकर म्र बनता है जो उम्र। उसी प्रकार स जमा आधा भ जमा र मिलकर सभ्र। तो इसे जो संयुक्त अक्षर भ्र कैसे बनता है, आधा ब और पूरा मिलकर यानी प्लस होता है, ठीक है। आधा ब और पूरा र मिलकर भ्र बनता है सब्र। सब्र यानी हमें सब्र रखना है, सहनशीलता हम कहते हैं। तो एक बार हम फिर से उच्चारण करेंगे, क्रम भ्रम प्रेम चक्र उम्र सब्र। तो जो है र की मात्रा से बनने वाले और भी शब्द देखेंगे, जैसे यहां पर देखिए प्रथम, आधा प और पूरा र मिलकर प्र, जैसे प्रथम। उसी प्रकार प्रथम यानी पहला जो, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे आधा प और पूरा र, आधा प जमा र जमा सा जमा र मिलकर प्रसार ऐसे बनता है। प्रसार यानी जो प्रचार करना, उसे हम प्रसार कहते हैं। उसी प्रकार आधा प और पूरा र जमा सा जमा द मिलकर जो है प्रसाद, यानी संयुक्त अक्षर प्र कैसे बना है, आधा प और पूरा र मिलकर प्र बना है, उसे हम प्रसाद। उसी प्रकार यहाँ पर जो है प्रसाद में आप देख सकते हैं जो भोग चढ़ाया जाता है मंदिरों में, यहाँ पर आप चित्र देखते हैं जब पूजा किया गया है, यहाँ पर प्रसाद जो है यहाँ पर रखे हैं, लड्डू हैं। तो प्रसाद में ज्यादातर जो है तिरुपति के लड्डू कहते हैं। तो इस प्रकार प्रसाद होता है जो पूजा होने के बाद जो है लोगों को दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो याद रखने के लिए मैंने एक आपको चित्र दिखाया है यहाँ पर। उसी प्रकार आधा प पूरा र जमा क जमा ट मिलकर प्रकट, प्रकट शब्द बनता है। उसी प्रकार आधा प जमा र जमा क का जमा स मिलकर प्रकाश, प्र जो है संयुक्त अक्षर कैसे बनता है आपको पता है। उसी प्रकार प ज आधा प जमा र जमा यो जमा ग मिलकर प्रयोग जो है, प्रयोग यानी जहाँ प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। आपको प्रयोग कहाँ मिलेगा, यह प्रयोगशाला है जो स्कूलों में भी आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसे हम प्रयोगशाला कहते हैं, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। प्र किस तरह लिखते हैं आपको पता चला, क्रम प्रकार इस तरह जो। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे, प्रथम प्रसार प्रसाद प्रकट प्रकाश प्रयोग। तो यहाँ पर आप चित्र सही देख रहे हैं। आगे देखेंगे और भी शब्द हैं जो इस प्रकार हैं, देखेंगे अभी जो है प आधा प जमा र जमा ना जमा म मिलकर प्रणाम। प्रणाम जो है यह हमारे भारतीय संस्कृति है, जो
कोई भी मेहमान हो उसे हम नमस्ते कहते हैं। तो आजकल यह बहुत ही जो है उपयोगकारी बन गया है। कैसे कहते हैं, जैसे देखिए आजकल जो है विश्व विश्व में फैली हुई बीमारी जो कोरोना वायरस, वह संपर्क से होता है, हाथों को। ये पहले जो हाथ मिलाते थे, तो आज जो है कोई भी जो अमेरिका का राष्ट्रपति हो वह अभी नमस्ते कहता है, क्योंकि वह दूर से ही नमस्ते करना पड़ता है। ये एक भारतीय संस्कृति है, तो प्रणाम इस प्रकार दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते ऐसे कहा जाता है, विश किया जाता है, तो इसे हम प्रणाम कहते हैं। उसी प्रकार प्र जमा का जमा र मिलकर प्रकार। प्र का जो है आपको पता चला है संयुक्त अक्षर किस तरह बनता है, प्र प्रकार है। दूसरा प्र जमा भा जमा व मिलकर प्रभाव जो है, प्रकार यानी भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्रभाव यानी एक विषय पर जो है प्रभावी करना, उसे हम प्रभाव कहते हैं। उसी प्रकार प जमा वी जमा न मिलकर जो है प्रवीण। प्रवीण यानी यहाँ पर जो आप कुशल यानी होशियार कह सकते हैं, वह जो है तबला बजाने में प्रवीण है, इस तरह कह सकते हैं। उसी प्रकार प्र जमा मो जमा द मिलकर प्रमोद। प्रमोद यह जो है यह एक खुशी भी होती है, एक जो है नाम भी है जो रखा जाता है प्रमोद। एक बार फिर से हम जो है इसका उच्चारण करेंगे, प्रणाम प्रकार प्रभाव प्रवीण प्रमोद, इस तरह जो है। तो इस प्रकार आज हमने जो है रस र की मात्राओं में दूसरा प्रकार को देखा। उस प्रकार और भी कुछ वाक्य हैं हम यहाँ पर देखेंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों को हमेशा जो है आप प्रणाम करते रहना है। तो यहाँ पर प्रणाम जो है नमस्ते विश करना होता है, बड़ों को हमेशा जो है प्रणाम करो। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, मित्रों के साथ प्रेम से बात करो। मित्रों के साथ जो है आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स कहते हैं ना, उसके साथ जो है आप जो है प्रेम से बात करो, अच्छे मीठे मीठे बोली जो बोलो, आपका ये संस्कृति जो है आपके घर का संस्कृति वह समझ में आता है। तो इसी प्रकार अगला वाक्य है, कक्षा में क्रम से बैठो। कक्षा में जो है क्रम से बैठना है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो वहाँ आज तो क्रम से बैठना है ना, बल्कि इधर उधर बैठना है, आपका जो है शिष्टाचार यानी डिसिप्लिन आपको दिखता है। कक्षा में जो है आप क्रम से बैठना है, तो यहाँ पर सैनिक स्कूल में जो है यह शिष्टाचार के लिए जाना जाता है। यहाँ भी जो है कोई भी आप यदि खाने के लिए जाएंगे तो आप ये क्रम में ही जाना पड़ेगा, तो है लाइन में उस तरह। अगला जो वाक्य है देखेंगे, वज्र बहुत महंगा होता है। वज्र यानी डायमंड जो है बहुत ही कठोर और दिखने में भी चमकीला होता है, और वज्र जो होता है वह बहुत ही महंगा होता है, तो वज्र बहुत महंगा होता है। इस प्रकार जो है आज हमने र की मात्राओं में से जो है दूसरा पदेन, पहले हमने रेफ का अध्ययन किया, आज हमने पदेन का जो है उसमें इस प्रकार का जो चिन्ह है उसका हमने अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पदेन का जो दूसरा प्रकार है र का वह मात्रा का समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर चित्र सहित भी जो है आपको दिखाया है, जो तो आपके लिए गृह कार्य यही है कि जो पदेन र की मात्रा में पदेन से बनने वाले पांच शब्दों को, इसके अतिरिक्त जो है पांच शब्दों को आप अपने गृह कार्य के रूप में लिख कर रखना है। अगले वीडियो में जो है तीसरा प्रकार का हम समग्र अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।